नमस्ते दोस्तों, पैर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एंजल फिश के फिशकीपिंग के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं, और एंजल फिश को लेते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें देखकर वो फिश को लेना है, आज हम ये भी जानने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए तो एंजल फिश के बिहेवियर पर हम बात करेंगे। एंजल फिश एक एग्रेसिव कैटेगरी के अंदर ही आती है ये फिश, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी एंजल फिश को अगर आपने कम्युनिटी टैंक में रखा है वो दूसरे फिशेस को परेशान करना चालू कर दे। वो कम्प्लीटली नॉर्मल है एंजल फिश के लिए, क्योंकि वो एक एग्रेसिव कैटेगरी की है, तो टेंशन ना लीजिए, ये तो होता रहेगा। बट हाँ, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप आपके फिश को डेली फीड करें, मतलब कंटिन्यूसली फीड करें। तो सेकेंड चीज़ के बारे में जो हम जानने वाले हैं वो है एंजल फिश की साइज़। एंजल फिश एक मैक्स टू मैक्स 8 इंच के ग्रो 8 इंच के साइज तक ग्रो होती है। 8 इंच होने के बाद आपको एक चीज़ याद रखना होता है कि ये अपने से छोटे फिशेस को खाना चालू कर देती है, क्योंकि ये एग्रेसिव है नेचर में। और छोटे फिशेस से मेरा मतलब है ये टेट्रास को खाती है, गप्पीज हो गए, और जो स्मॉल साइज़ के मौली है उनको भी खाना चालू कर देती है। थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है जब हम एक एंजल फिश परचेस करते हैं। तो एंजल फिश के सर पे जो क्राउन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि एंजल फिश का लुक पूरा उस पर डिपेंड होता है। जो उसके सर पे क्राउन होता है वो क्राउन पे हमेशा एक अच्छा बम्प होना चाहिए, मतलब वो बम्पी होना चाहिए। और उसके बाद हम उसके देखने वाले कॉडल फिन, जो उसके टेल फिन होते हैं वो कभी भी फटे हुए नहीं होने चाहिए, वो फिन एक वन पीस में होने चाहिए। और अगर आपको कोई भी अगर आपको लगता है कि उसके कॉडल फिन्स फटे तो वो ना लीजिए, क्योंकि उसे स्विमिंग में कभी कभार तकलीफ होती है। उसके बाद जो हमें देखने होते हैं उसके वेंट्रल फिन्स, वेंट्रल फिन्स उसके जो नीचे फिन्स होते हैं दो लंबे, वो उन्हें हम वेंट्रल फिन कहते हैं। ये वेंट्रल फिन हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए, भले उनकी साइज छोटी बड़ी नहीं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के होने चाहिए। बट हाँ, आप कन्फ्यूज़ होते होंगे कि कोई एंजल में लंबी वेंट्रल फिन देखने मिल जाती है हमें, और कोई में छोटी। सो गाइस, वो दोनों एंजल अलग अलग कैटेगरी के हैं। और उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ जो हम हमेशा देख के लेते ही होंगे, उसकी स्केल्स। स्केल्स की बात करें तो गाइस, स्केल्स तो पूरी होनी चाहिए, स्केल्स डैमेज वाले ना लीजिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एंजल फिश को हीटर में रखना है। हाँ गाइज, एंजल फिश के लिए हीटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है गाइज? क्योंकि ये 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहती है। अगर पानी 24 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होने लग गया तो आपकी एंजल फिश को तकलीफ़ हो सकती है, वो बीमार पड़ना चालू हो सकती है। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्यों पसंद नहीं आई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, फिर से नमस्ते।